नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ शशांक झा। कोरोना महामारी के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के बुखार का प्रकोप राज्य सरकारों का नया सिरदर्द बन गया है। सबसे गंभीर स्थिति यूपी का है, यहां फिरोजाबाद जिले में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वायरल फीवर और डेंगू जैसे लक्षणों वाले 61 बच्चों की जिले में मौत हो चुकी है। आगरा जिले में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। पिछले 4 दिनों में वहां तेज बुखार से 8 बच्चों की जान चली गई है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक से भी इस तरह से बच्चों की मौत की खबर लगातार आ रही है। कुछ राज्यों में बुखार से मरने वाले की संख्या अभी भले ही कम है, लेकिन इसका यह मतलब निकालना गलत होगा कि वहां हालात गंभीर नहीं है। उदाहरण के लिए बिहार में अभी तक 15 बच्चों की मौत बताई जा रही है, लेकिन इस महीने तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों के साथ 7,000 से ज्यादा बच्चे स्वास्थ्य केंद्रों पर लाए गए। साफ है कि बीमारी फैली हुई है, अगर इससे निपटने में लापरवाही हुई तो कई अधिक बच्चों की मौत हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका फिर से बढ़ने लगी है, तो वहीं पिछले 2 दिनों बिहार के दरभंगा जिले में दिल्ली मुंबई समेत अन्य राज्यों से आने वाले ट्रेनों में लोगों के संक्रमण की पुष्टि हो रही है। रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है, जिस कड़ी में मधुबनी में बाहर से आने वाले 45 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। नई दिल्ली से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 24 संक्रमित एवं लोकमान्य तिलक टर्मिनल जयनगर पवन एक्सप्रेस में 13 यात्री संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। इतने संक्रमित मिलने की पुष्टि सिविल सर्जन ने की है। वहीं मधुबनी में इतनी संख्या में संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद तीसरी लहर की शुरुआती स्थिति भी मानी जा रही है। बिहार में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोग अब बेपरवाह होकर निकलने लगे हैं। जहां अधिकांश लोग बिना मास्क के सड़कों पर देखे जा रहे हैं, वहीं ना तो साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी भी ढिलाई लोगों को भारी पड़ सकती है। भीड़भाड़ का हिस्सा बनने से बचे, जहां तक हो सके दूरी बनाकर चले। सुरक्षा के दृष्टिकोण को अपनाते हुए मास्क एवं साफ सफाई का विशेष ख्याल रखकर संक्रमण से बचा जा सकता है।